नमस्कार स्टूडेंट, आज हम क्लास इलेवेंथ अकाउंटेंसी कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। कैश बुक क्या होती है? कैश बुक बच्चों वह बुक होती है जिसमें केवल कैश के ट्रांजैक्शंस होते हैं। अभी हमने सब्सिडरी बुक्स ऑफ द अदर बुक्स पढ़ा था, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक्स। उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें सारे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे, लेकिन जो कैश बुक है उसमें जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ द कैश, यानी कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस हैज बिन रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रिपेयरिंग द कैश बुक। कैश बुक जब हम बनाएंगे तो वहाँ हम ध्यान रखेंगे कि जो भी कैश के ट्रांजैक्शंस हैं उनको हम इसमें शो करते हैं। तो जैसे हमने कैश बुक बनाई है, परफॉर्मा बना रहा हूँ मैं कैश बुक का। तो देखिए बच्चों, दो तरह की कैश बुक होती है। एक तो होती है सिंपल कैश बुक, और दूसरी होती है डबल कॉलम कैश बुक। तो आज हम सिंगल कैश बुक के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल कैश बुक क्या होती है या सिंगल कॉलम कैश बुक क्या होती है, तो उसका मैं परफॉर्मा बनाता हूं बच्चों। तो ये इसमें कॉलम होते हैं बच्चों, कैश बुक, ये डेट का कॉलम होता है, ये पर्टिकुलर होता है, ये LF होता है, ये अमाउंट का होता है, ऐसे ये डेट होता है, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। तो ये देर आर एट कॉलम्स इन दिस कैश बुक। तो कैश बुक के एट कॉलम्स होते हैं, फोर कॉलम्स इज डेबिट साइड एंड अनदर फोर कॉलम इज क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले जो जितना इसका बैलेंस दे रखा है, सबसे पहले हम बैलेंस BD को लिखते हैं। डेबिट साइड का दे रखा है तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड का दे रखा है तो क्रेडिट साइड में। तो जो भी बैलेंस दे रखा हो हमें, तो जिस भी टाइप का बैलेंस हमको दे रखा हो, हम उस टाइप के बैलेंस को सबसे पहले इसमें शो करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले इसमें चार कॉलम होते हैं। पहले जो डेबिट साइड के चार कॉलम्स होते हैं उनमें पहला कॉलम होता है बेटे डेट का। डेट में वही उसी की तरह लिखते हैं जैसे सबसे पहले क्या आता है आपका ईयर, ईयर के बाद में मंथ, और मंथ के बाद में फिर हम लिखते हैं उसमें क्या जो है डेट। इसके बाद में पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में पूरा विवरण आता है उसका, जो भी विवरण दे रखा हो, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इसमें लिखी जाती हैं।
आप देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर वन इसका जो है वो ले लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर वन करा रहा हूँ मैं, तो इसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए और फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। तो ये क्वेश्चन है आपका, इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी है बच्चों, अगर कैश आ रहा है तो डेबिट साइड में लिखना है और कैश अगर जा रहा है तो क्रेडिट साइड में लिखना है, ठीक है ना। तो जैसे ये पहली एंट्री कह रहा है 2013 में है, 2013 दोनों साइड लिख दिए मैंने डेट वाले कॉलम में। अब 1 जनवरी को कह रहा है वो मिस्टर विजय कमंस बिजनेस विद कैश, कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, दैट मींस कैश बिजनेस में आया होगा और काय के नाम से आया होगा, कैपिटल के नाम से, तो टू कैपिटल अकाउंट के नाम से हम यहाँ लिख देंगे और डेबिट साइड में रुपए हैं आपके पास 350,000। 350,000 से बिजनेस स्टार्ट किया है, तो मैंने ये 350,000 रुपये लिख दिए। अब इसके बाद में देखिए, ब्रॉड गुड्स फॉर कैश, माल परचेज किया कैश में, ये 1 जनवरी की थी एंट्री। अब जनवरी 2 माल परचेज किया है तो पैसा गया होगा और पैसा जाएगा तो क्रेडिट साइड में, बाई परचेज अकाउंट, परचेज के नाम से आएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश, 22,000 रुपये का माल हमने परचेज किया है, 22,000 रुपये हमने लिख दिए इसमें। इसके बाद में वो कह रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम राजा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट, देखिए स्पष्ट कह रहा है वो क्रेडिट में माल परचेज किया है, इसलिए क्रेडिट का ट्रांजेक्शन इसमें नहीं होगा, इसमें तो केवल और केवल कैश ट्रांजेक्शन ही लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर ना कैश आया है और ना कैश गया है, तो दोनों कंडीशनों में हम इसको इसमें शो नहीं करेंगे। इसके बाद में वो कह रहा है कैश सेल्स होगी तो पैसा आएगा, 6 तारीख को कैश सेल्स हुई तो टू सेल्स अकाउंट के नाम से पैसा आएगा और सेल्स हुई है आपकी कितने की, 75,000 की, तो लिख दीजिए 75,000, तो 75,000 की कैश सेल्स हुई। इसके बाद में है पेड रेंट, रेंट पेड किया तो पैसे जाएंगे बच्चों 10 तारीख को, रेंट अकाउंट कितना गया है, रेंट 1,200, ये हमने रेंट पेड कर दिया। इसके बाद में वो कह रहा है परचेज बिल्डिंग परचेज की है तो पैसा जाएगा हमारे पास से 18 जनवरी को, बाई बिल्डिंग अकाउंट, पैसा जाएगा परचेज किया है तो, और बिल्डिंग परचेज की हमने 3,00,000 रुपए की, 3,00,000 रुपए हमने लिख दिया। इसके बाद में कह रहा है वो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, वही माल बेचा है 21 जनवरी को तो टू सेल्स अकाउंट, कितने रुपए का माल बेचा है, 9,900 रुपए का, अब इसके बाद में वो कह रहा है सोल्ड गुड्स टू किशन ऑन क्रेडिट, ये क्रेडिट सोल्ड किया है इसलिए क्रेडिट में ना तो पैसा जाता है और ना ही पैसा आता है, जब पैसा आ ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है, तो कैश बुक में इसका कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, पेड सैलरी पेड किया उसने 28 तारीख को,
25 को, तो सैलरी पेड की है तो क्रेडिट में जाएगी, 22 सैलरी पैसा जा रहा है, कितने रुपए हैं सैलरी के, ₹10,000। इसके बाद में है पेड वेजेज, वेजेज भी पेड किया है तो पैसा जाएगा, ₹28 को, और रुपए है ₹5,500। अब इसके बाद में रिसीव्ड फ्रॉम किसान, किसान से पैसे मिले हैं 30 तारीख को टू किसान, 12,000 रुपये उससे उससे मिले हैं। तो ये हमने पूरा क्वेश्चन कर दिया। अब इसका बैलेंस निकालेंगे बच्चों, तो बैलेंस कैसे निकलेगा, आइए बैलेंस निकालते हैं। पहले हमने टोटल किया दोनों साइड का, तो मुझे लग रहा है डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है मेरे को, तो 350,000 है, ये 75,000 है, ठीक है, तो इधर का ही ज़्यादा है, 9, 9 और 2 11, 11 और 5, 11 और 5, 16 की 6, ये टोटल कर लेते हैं इसका, 350,000, 75,000, 9,900, 12,000, इसका टोटल आ गया 4,46,900। ये दोनों साइड लिखा जाएगा 4,46,900, और इसमें से हम क्रेडिट साइड के बैलेंस को घटा देंगे, 23,200, 3,15,500, तो 1,08,200 हमारा बैलेंस बच जाएगा। इसमें से ये घटा करके 31 जनवरी को बाई बैलेंस सीडी के नाम से इसको हम बंद कर देंगे, 1,08,200, और इसको इधर 1 फरवरी में लेके आएंगे टू बैलेंस बीडी, एक लाख 8,200। तो ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन कैश बुक का। बस हमको यही ध्यान में रखना है, अगर कैश आ रहा है तो डेबिट साइड, कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड, मेन चीज हमको बस यही ध्यान में रखनी है कि क्या पैसा आ रहा है क्या पैसा जा रहा है, ठीक है, ये ध्यान में हमें रखना है और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं इसका कैश का ही,
ये क्वेश्चन नंबर 7 करा रहा हूँ, ये वाला प्रिंट आउट ले लीजिए आप। ये कैश बुक बनानी है, इसमें ईयर लिख दे रहा हूँ 2013। तो दोनों लिख दी मैंने। अब 1 मार्च को कर रहा है वो बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड, पहले से ही हमें मार्च फर्स्ट में बैलेंस दे रखा है, 2 बैलेंस BD। ₹1,500 ये हमें बैलेंस दे रखा है इसने। अब वो हमसे कह रहा है परचेज गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स परचेज किया है तो पैसे जाएंगे हमारे पास से मार्च 8 बाई परचेज अकाउंट। भाई परचेज अकाउंट ₹1,500, सॉरी ₹320 का माल परचेज किया है, गलत हो गया, ₹320 का माल परचेज किया है, ₹320 लिख दिए मैंने। फिर वो कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर ₹480 टू बाई, बाई को माल बेचा है, यानी सोल्ड गुड्स टू बाई ₹480, दैट मीन्स क्रेडिट माल बेचा है, इसलिए इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। अगला है रिसीव्ड कमीशन ₹63, तो कमीशन तो रिसीव्ड हुआ है इसको, तो ये तो आएगा 20 मार्च को है ये, 2 कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड कितना है ₹65, सही से लिख देता हूं, कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट है पेड कमीशन, कमीशन पेड किया है तो पैसे जाएंगे हमारे पास से 20 मार्च को ही बाई बैंक अकाउंट। ₹55 का हमने कमीशन पेड किया है, लिख दीजिए 55। इसके बाद में पेड टू आशीष ऑन अकाउंट ₹7.15, तो आशीष के अकाउंट में हमने पैसे डाले हैं भाई आशीष अकाउंट। डेट है आपकी 28 और अमाउंट है ₹715। नेक्स्ट है पेड सैलरी ₹100 एंड ऑफिस रेंट ₹60, यानी 30 तारीख को 2 चीज पेड की है, पेड सैलरी दूसरी है पेड रेंट, दोनों एक ही डेट में पे की गई है। अब हमने टोटल देखा किस साइड का ज्यादा है, तो हम टोटल जोड़ते हैं, इधर का तो इधर का ही ज्यादा लग रहा है मेरे को, तो इसी साइड का ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ लगाइए इसका टोटल, नीचे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको,
तो ये टोटल मैंने यहाँ लगा देता हूँ इस साइड, यहाँ मैंने टोटल लगाया 1565 रुपये आया। अब 1565 में से ये घटा दीजिए डेबिट साइड के आइटम, 320, 55, 715, 1090 रुपये घटा दीजिए इसमें से, तो -1565, 475 रुपये बचेंगे, बाई बैलेंस शीट के नंबर होंगे। को बैलेंस शीट ही बचेगा 475 रुपये। इसको हम इधर ले आएंगे 1 अप्रैल को, टू बैलेंस बीडी, चार सौ पचहत्तर रुपये बीडी के नाम से लाएंगे, बैलेंस बीडी, इधर बैलेंस सीडी, 475, 475, तो ये आंसर हमारे आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमने अभी अभी हमने इसमें बेज इसकी रकम नहीं लिखी, बेजेज की और इसकी, बेजेज के सैलरी के तो 100 रुपये हैं और बेजेज के 60 रुपये हैं, ये और घटाने पड़ेंगे 160। तीन सौ बीस, 55, 715, 160, 315 रुपये आएगा इसका बैलेंस, 315 रुपये आएगा। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चंस हो गया। तो आज हमने सिंपल कैश बुक के 2 क्वेश्चंस किए और इसके बारे में कैसे बनाया था ये सीखा। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी।